आंशिक भिन्नों में विभक्त करके समाकलन ज्ञात करना। एक भिन्न जिसका रूप a0 x का पावर m प्लस a1 x का पावर m माइनस 1 अप टू am होल अपॉन b0 x का पावर n प्लस b1 x का पावर n माइनस 1 अप टू bn है, जहां पर a0 a1 a2 अप टू am और b0 b1 b2 अप टू bn अचर है तथा mn m तथा n धन पूर्णांक है। एक परिमेय बीजीय भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्नों का समाकलन करने के लिए हम उन्हें आंशिक भिन्नों में विभक्त करते हैं तथा जिसके लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला बिंदु है कि दी हुई भिन्न के अंश की घात उसके हर की घात से कम होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो भाग विधि का प्रयोग करके ऐसा कर लेना चाहिए। भिन्न का इस प्रकार प्राप्त रूप उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। दूसरा बिंदु है, यदि दी हुई भिन्न के हर में दो या दो से अधिक घात के पदों को वास्तविक रेखीय संभव गुणनखंडों में विभक्त कर लेना चाहिए, तत्पश्चात संगत सूत्रों का उपयोग या प्रयोग करके अभिष्ट समाकल ज्ञात कर सकते हैं। एक उचित भिन्न को आंशिक भिन्नों में विभक्त करने के नियम। पहली स्थिति, जब हर में केवल एक रेखीय खंडों का गुणनफल हो तब तो f ऑफ x अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b इंटू x प्लस c इंटू x प्लस d, इस प्रकार यह फ्रैक्शन है तो इसके बराबर हम लिखेंगे कैपिटल a अपॉन x प्लस a प्लस कैपिटल b अपॉन x प्लस b प्लस कैपिटल c अपॉन x प्लस c प्लस कैपिटल d अपॉन x प्लस d। दूसरी स्थिति, जब हर में रेखीय खंडों की पुनरावृत्ति हो तब अर्थात f ऑफ x अपॉन x प्लस a का पावर r इंटू x प्लस b, इस प्रकार के यदि भिन्न दिए गए हैं तो हम उसके बराबर लिखेंगे a1 वन अपॉन x प्लस a प्लस a2 टू अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a3 थ्री अपॉन x प्लस a का क्यूब अप टू ए आर अपॉन x प्लस a का पावर r प्लस b अपॉन x प्लस b। तीसरी स्थिति, जब हर में एक द्विघातीय खंड हो तब f ऑफ x अपॉन x प्लस a इंटू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो इक्वल टू कैपिटल a अपॉन x प्लस a प्लस कैपिटल b इंटू x प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चौथी स्थिति है कि जब हर में एक द्विघातीय खंड की पुनरावृत्ति हो f ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू x प्लस b इक्वल टू कैपिटल a x प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल e अपॉन a प्लस b। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए समानयन सूत्र या फिर रिडक्शन फार्मूला जिसे कहते हैं के उपयोग की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः ऐसे प्रश्नों के हल सम्मिलित नहीं किए गए हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए फलन का समाकलन x के सापेक्ष कीजिए, यह x अपॉन x माइनस वन ये x माइनस टू। तो इस प्रकार के फलन हैं, इसका समाकलन करने के लिए थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आंशिक भिन्नों में परिवर्तन करते हैं, अर्थात इसको हम आंशिक भिन्न में बदलते हैं और फिर उसका समाकलन करते हैं। ध्यान देंगे तो आपको यह मिलेगा कि अंश में जो बहुपद है या पद है उसकी डिग्री और हर में जो पद है उसकी डिग्री, हर में जो पद है उसकी डिग्री बड़ी है और अंश में जो पद है उसकी छोटी, उसकी डिग्री छोटी है, अंश में जो पद है उसकी डिग्री छोटी है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो इस प्रकार यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हम सीधे तौर पर आंशिक भिन्नों में बदलने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना दिए गए फलन का समाकलन है आई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए प्रक्रिया करेंगे। पुनः माना
कि x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू। माना कि यह समीकरण एक है। अब यदि लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे राइट हैंड साइड का, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और अंश में आपको मिल जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। देखिए इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त मिलेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इस पद को x माइनस वन से भाग देंगे तो आएगा x माइनस टू, तो x माइनस टू का गुणा a के साथ हो जाएगा। इस तरीके से b के हर में है x माइनस टू, इस पूरे पद को x माइनस टू से भाग देंगे तो आएगा x माइनस वन। x माइनस वन भागफल आएगा, उसका गुणा करेंगे b से, तो ये b इंटू एक्स माइनस वन, और ये x के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको और सरल करेंगे और x के गुणांकों को हम कलेक्ट कर लेंगे। देखिए x कब कब आएगा, जब x के साथ में a का गुणा होगा, और x के साथ में जब b का गुणा होगा, ये प्लस साइन के साथ में है तो ये a प्लस बी आएगा। फिर कॉन्स्टेंट में देखा जाए तो माइनस टू ए, और ये b इंटू माइनस वन माइनस बी। अब हम लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, देखिए यहाँ पर x का गुणांक है a प्लस बी, यहाँ पर x का गुणांक है एक, तो मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू वन। मान लेते हैं कि समीकरण एक है। दूसरा राइट हैंड साइड पर है माइनस टू ए माइनस बी, और लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है ज़ीरो। तो यदि राइट हैंड साइड से मैं ज़ीरो, यदि राइट हैंड साइड से माइनस को उभयनिष्ठ लेकर के कैंसिल कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा टू ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। समीकरण, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, और इसे समीकरण तीन नाम देते हैं। अब दो और तीन को सरल करना है, और फिर ए और बी का मान हमें चाहिए होगा। तो तीन को यदि मैं सरल करूं तो बी इक्वल टू मिल जाएगा माइनस टू ए। अब इसको समीकरण दो में रख देते हैं, समीकरण दो में, या समीकरण दो से ऐसा भी कर सकते हैं। ए और बी के स्थान पर रखना है माइनस टू ए, तो माइनस टू ए इक्वल टू वन। ए माइनस टू ए दैट इज माइनस ए इक्वल टू वन, और दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू माइनस वन। तो a का मान हमें मिल चुका है माइनस वन। अब b का मान यहाँ से a का मान इस पर रख देंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा, तो b इक्वल टू माइनस टू ए इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज टू। तो इस प्रकार हमें b का मान मिल चुका है टू। तो इसका मतलब ये कि आप x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को आंशिक भिन्न के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, a अपॉन x माइनस वन, तो a के स्थान पर है माइनस वन और फिर ये x माइनस वन, फिर b के स्थान पर है टू, तो ये टू अपॉन x माइनस टू। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे, जैसे कि हमने फलन का समाकलन को i माना है। तो आगे सरल करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसके बराबर ये है तो हमें ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन माइनस वन एक्स माइनस वन डी एक्स, और फिर प्लस टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। माइनस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पर टू कांस्टेंट है, ये भी समाकलन चिन्ह के बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, और प्लस सी, प्लस सी जहाँ पर समाकलन, सी जो है वो समाकलन नियतांक है। अब चाहें तो इसको थोड़ा और सरल करके लिख सकते हैं, या सीधा लिखें इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस टू लॉग x माइनस टू प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो प्रश्न दिया गया है कि वन अपॉन x माइनस वन
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब ये जो भिन्न है इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है तो उसे लिखा जा सकता है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ये वन अपॉन ये x माइनस वन, फिर यहां से x प्लस टू और फिर ये x माइनस टू। अब आंशिक भिन्नों के रूप में इसे बदलना हो तो हम लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस c अपॉन x प्लस टू हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। अब इन सब का लघुतम समापवर्त हमें यही मिलने वाला है या फिर ये मिलने वाला है, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो हर समान हो जाएगा, हर को समान करेंगे तो अंश हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, वन इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। मान लेते हैं ये समीकरण दो है। ये किस प्रकार करते हैं पहले हम देख चुके हैं। अब इस समीकरण दो में क्रमशः, समीकरण दो में क्रमशः x इक्वल टू टू, x इक्वल टू माइनस टू तथा x इक्वल टू वन रखने पर, जब x इक्वल टू टू पुट करेंगे तो देखिए x माइनस टू ये वाला जो टर्म है, x माइनस टू जिस भी टर्म में होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि टू माइनस टू जीरो और इसमें है ये टू माइनस टू जीरो। इसका मतलब ये कि केवल b वाला पद बचेगा और b वाले पद में x के स्थान पर हम दो रख देंगे तो दो ऋण एक और दो धन दो, तो यहां से मिल जाएगा वन इक्वल टू फोर बी या फिर b इक्वल टू वन अपॉन फोर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है b का मान जो कि हमें मिल चुका। अब ये मान हम रख चुके हैं, अब अगला मान है x इक्वल टू माइनस टू। x इक्वल टू माइनस टू इसका मतलब ये कि x प्लस टू वाला जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो, अर्थात a और b वाला पद हमें शून्य मिल जाएगा और केवल c वाला पद मिलेगा। तो वन इक्वल टू सी इंटू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, फिर माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, सॉल्व करने पर मिल जाएगा c इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल्व। ये c का मान मिल चुका। अब अंतिम में x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो एक ऐसा पद जिसमें x माइनस वन है वो शून्य हो जाएगा, अर्थात b और c वाला पद शून्य हो जाएगा, केवल a वाला पद बचेगा। तो मिल जाएगा वन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू माइनस वन, फिर वन प्लस टू थ्री। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। ए बी और c का मान मिल चुका, समीकरण एक में रख देते हैं तो ये मिल जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू a, a की वैल्यू है माइनस वन बाई थ्री और ये x माइनस वन, फिर b की वैल्यू है वन अपॉन फोर, b इक्वल टू वन बाई फोर रखे फिर ये x माइनस टू और c की वैल्यू वन अपॉन ट्वेल्व और फिर ये x प्लस टू। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो जैसे कि हमने माना है कि इस फलन का समाकलन i है, तो i इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x माइनस वन प्लस वन बाई फोर इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस टू प्लस वन अपॉन ट्वेल्व इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। सॉल्व करने पर मिल जाएगा माइनस वन बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन बाई फोर लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस वन बाई ट्वेल्व लॉग ऑफ एक्स प्लस टू और प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष। तो माना आई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन
dx, माना कि यह समीकरण एक है। अब पुनः हम आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे और x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x इंटू x स्क्वायर माइनस वन, इसे हम लिखेंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस वन प्लस c अपॉन x माइनस वन, माना कि यह समीकरण दो है। x स्क्वायर माइनस वन को हम x प्लस वन इंटू x माइनस वन लिख सकते हैं। अब इसे किस प्रकार सरल करते हैं आपको पता है, इसका हरों का लब्धों समापवर्त निकालेंगे तो ये मान मिल जाएगा, अर्थात राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हर में जो राशि है उसके लब्धों समापवर्त को समान करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, माना कि यह समीकरण तीन है। अब गुणांकों की तुलना करके भी निकाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम समीकरण तीन में क्रमशः x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो ये वाला पद और ये वाला पद शून्य मिल जाएगा, आपको a वाला पद मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह में जीरो रखेंगे तो मिल जाएगा वन इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस वन वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है a इक्वल टू माइनस वन, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये पद और ये वाला पद शून्य हो जाएगा क्योंकि वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, सी वाला पद बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू इक्वल टू सी इंटू वन और वन प्लस वन टू, तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा सी इक्वल टू वन। अब लास्ट में x इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं तो ये पद और ये पद हमें शून्य मिल जाएगा, केवल b वाला पद मिल जाएगा। तो माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, टू इक्वल टू बी इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस टू और फिर ये माइनस वन, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा b इक्वल टू वन। ए बी और c तीनों का मान मिल चुका है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ए, ये वन माइनस वन है, बी वन है और सी वन है, ये माना हमें मिल चुका। अब इसका समाकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का तो हमें मिल जाएगा आई समीकरण एक से, तो ये माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन फिर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन और प्लस सी लिख सकते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है, इन दोनों का गुणा हो रहा है और यहाँ ये दोनों योग के रूप में है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये मिल जाएगा लॉग ऑफ एम एन और ये माइनस में है तो लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग ऑफ एम बाई एन, तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी, या फिर आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी, तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।